तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सेशन जो होते हैं सैटरडे, ये आपको खुद की पहचान के लिए होते हैं कि आप खुद को पहचानो। हर सैटरडे हमारे यहाँ क्लास नहीं लगती है, जो प्रैक्टिकल करना चाहते हो प्रैक्टिकल करते हैं और बाकी जो सेशन ज्वाइन करते हैं और इस क्लास के बाद भी जिनको प्रैक्टिकल करना रहता है वो करते हैं। क्या हर सैटरडे आपको जगाया जाता है कि आप को अगर कुछ कमियां हो रही है तो सेशन के द्वारा आपकी कमियों को आप दूर कर सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसा ये 22वां सेशन है ना सर? 22वां सेशन है वो सर, 22वां सेशन के और लेक्चर मान के चलिए 44 हो चुके हैं, मतलब 22 into 2 44 सेशंस। ठीक है, तो कई बच्चों को इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ है? किसका हुआ है देख रहा है, लेकिन अभी सेशन के बाद पता चलेगा किसका इम्प्रूवमेंट हुआ है किसका नहीं हुआ है। ठीक है, पिछली बार नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज का जो सेशन का टॉपिक है, मेरा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या कहलाती है कोई बताएगा? हाँ, अभी इसने बोला कोमल, मेरे भी यही बोलने वाला था मैं कि लोग कोमल बोलेंगे, मेरे दिमाग में पहले यही था, सबसे पहले बच्चे यही बोलेंगे कोमल सॉफ्ट। हाँ, ये बोला बिहेवियर, मतलब बर्ताव। आज के समय में अगर आप जॉब पे जा रहे हो, किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, आपके 4 साल की डिग्री में जो आप जो सीखते हो वो सिर्फ आपको 15% या 20% काम आता है, लेकिन 80% आपकी सॉफ्ट स्किल काम आती है और वो जिंदगी भर काम आती है। लोग क्या, बच्चे क्या करते हैं, 4 साल अपनी डिग्री को इम्प्रूव करते हैं, अपने नंबर इम्प्रूव करते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल कोई इम्प्रूव नहीं करता। फिर कॉलेज क्या करता, बाद में उसको अलग से चार्ज लेके सॉफ्ट स्किल सिखाता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर उसी दौरान अगर बच्चे सॉफ्ट स्किल की तैयारी करें तो वो इंटरव्यू में पास होंगे और कंपनी में लगातार बने रहेंगे। आज लोगों के जो जॉब छूटते हैं, लोग जॉब नहीं कर पाते हैं, कोविड में कई लोग जॉब छोड़ आए हैं या किसी का बिहेवियर खराब हो गया है, उसका कारण क्या है? उनकी सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं थी। अगर सॉफ्ट स्किल अच्छी होती तो वो अपने लगातार उस कंपनी में बने रहते। तो सॉफ्ट स्किल के बारे में समझ में आया आपको कि क्या होती है? आपका व्यवहार, जो आप अगर जो कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको क्या व्यवहार है, किस तरह आपको कंपनी में काम करना है। तो आज मैं सॉफ्ट स्किल के 10 पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है, जो आपको हमेशा जीवन में काम आएंगे, जॉब में कहीं भी रिश्तेदारी में सब जगह सॉफ्ट स्किल काम आती है। ठीक है, पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्ट स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बहुत सही। और कोई बताएगा? हाँ, ऐसे कई जवाब निकलेंगे, अलग बात है, आप लोग भी बताओ, इसलिए मैं पूछता जाता हूँ, मैं तो बोलूंगा लेकिन आप लोग को भी पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? आज कोविड आया, कोविड में कई जगह आपने देखा है कि कई लोगों ने तो व्यापार नए नए चालू हो गए, कई लोगों ने जिनके ग्रोथ नहीं थी यूट्यूब चैनल में भी ग्रोथ हो गई, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम को अवसर में बदल दिया। जब भी आप कंपनी में कोई बड़ी कंपनी में ज्वाइन करोगे ना, तो सबसे पहले ये सवाल आपसे होगा, कल के दिन मेरी कंपनी डूबती है तो आप उस कंपनी को कैसे संभालोगे? तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना पड़ेगा, वो कंपनी में भी हो सकता है, आपके जीवन में भी हो सकता है। जीवन का मतलब, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई आते आते, तो आप क्या सोचते, आप प्रॉब्लम को वही गाड़ी फेंक के आ जाओगे कि वही ढूंढोगे किसी को? और जेब में पैसे नहीं रहे तो के लिए जाएंगे, कई लोगों के पैसे भी नहीं रहते, है कुछ नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं मेरा ले आओ, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? तो आप जब भी कहीं जॉब करोगे तो आपको ये सोच के चलना है कि मैं इस कंपनी में, इस जॉब में प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, तो ये नहीं कि प्रॉब्लम को और बिगाड़ दूं। तो फर्स्ट स्किल क्या होने चाहिए आपके अंदर? प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। इसको कौन बताएगा क्या होती है ये? सर, लोगों से कुछ अलग सोचना। बिल्कुल सही। और कोई बताएगा? हर काम को एक अलग तरीके से करने की कोशिश, अपने काम को अलग तरीके से करने की। नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा पॉइंट होगा। और कोई बताएगा? क्रिटिकल आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मतलब कुछ अलग सोचना। आप काम कर रहे हो तो आपको अलग सोचना बहुत जरूरी रहेगा। इसमें क्या है, आपको सवाल पूछना चाहिए लोगों से, है
यानी कंपनी में काम कर रहे हो ना, सवाल पूछो। दूसरा है जानकारी हासिल करो उस चीज के बारे में जिस पर काम कर रहे हो। तीसरा है हर चीज की जानकारी की परख होना चाहिए। जिस किसी चीज में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब उस इंटरव्यू के बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि क्या पूछेंगे, क्या सिलेबस से पूछेंगे, क्या क्या आगे क्या, मतलब पूरी विस्तार से जानकारी नहीं है कंपनी क्या करती है, तो आप इंटरव्यू देने क्यों जा रहे हो ये बताओ। कई बच्चे रहते हैं सर इंटरव्यू के लिए आए हैं, किस कंपनी में आए कंपनी का नाम भी नहीं मालूम, किस पोस्ट के लिए आए नाम नहीं मालूम, सीधे पहुंचा दिए रिज्यूम और इंटरव्यू में चले गए। तो आपको क्या होना चाहिए, पूरी किसी भी विषय के बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ये क्या कहलाएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लचीलापन। किन किन में है, किस किस में नहीं है वो हाथ उठाए। कंपनी अगर आप जगह कंपनी में स्मूथ होना चाहिए, समझ रहे हो आप, वो तो है। कंपनी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ढीले ऐसे ऐसे जाओगे जैसे बिल्कुल खाना पिया आराम से पहुंच गए, तो वो कंपनी वाले भी सोचेंगे कि ये हम इनको संभालेंगे कि कंपनी हम ये कंपनी को संभालेंगे। तो आपकी बॉडी में लचीलापन होना चाहिए, इसको ज्यादा विस्तार से नहीं समझा सकते, ज्यादा जानते हो आप, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टीम वर्क। टीम वर्क का क्या मतलब क्या आता है, देखिए कोई भी बड़ा बिजनेस है, कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी बड़ा व्यापार है, वो टीम वर्क में काम करता है। आज हमारे पास हम और हमेशा टीम वर्क में काम करते हैं, हमारे साथ जो और रोहित है वो भी टीम वर्क में काम करता है। अगर आप टीम वर्क में काम करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, किसी जॉब को ज्वाइन करते हो और अगले कर्मचारी से आप बोल ही नहीं रहे हो तो आप भी कुछ नहीं सीख पाओगे उससे, समझ रहे हो आप। तो अगर आपकी टीम वर्क अच्छा है तो आप आगे बढ़ते जाओगे। टीम वर्क का मतलब अगर आप टीम में रहोगे, अब चार लोग पांच लोग जब कंपनी में लंच होता तो सब इकट्ठे बातें करते हैं, वो टीम वर्क कहलाता है। कंपनी जब टीम वर्क में रहती तो ही आगे बढ़ती है, चाहे वो अंबानी अंडानी टाटा बिरला, वो अकेले बिजनेसमैन ऐसे नहीं कि बड़े सबसे अकेले बढ़ गए हों, अगर उनकी टीम इतनी फैली है पूरे देश में तब जाके वो आज उनका नाम चलता है। अगर वो आज सब लोग छोड़ दें जॉब तो उनका कोई नाम देगा क्या, तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली स्किल होना चाहिए सॉफ्ट स्किल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरी होती है क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना, आलोचनात्मक होना, तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा होता है टीम वर्क, और पांचवी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। किसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वही है अपने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल क्या कहलाती, कोई बताएगा, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आज आप कहीं मुझसे भी मिलने आए हो, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि किसी आज मैं बैठा हूँ और आप इंक्वायरी लेने आते हो, अगर मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। अपनी बात को प्रस्तुत करना वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपनी बात को प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे हो तो अगला आदमी आपको क्या जवाब देगा, इस पर भी मैंने एक लेक्चर ले चुका हूँ कम्युनिकेशन स्किल पे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। संस्था का मतलब समझते हो आप क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो तो हमने बता दिया। संस्था का मतलब जिस संस्था में आप काम करते हो वो किस स्टेप मतलब किस स्ट्रक्चर पे काम करती है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, जितने भी वर्कर है सब है स्टाफ है वो लाइन में आते हैं। लाइन में मतलब पूरे जो एक कंपनी चल रही है पूरा जो स्टाफ रहेगा वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। दूसरा होता है लाइन एंड स्टाफ। लाइन और स्टाफ का मतलब क्या होता है, मजदूर अलग हो जाते हैं और इंजीनियर अलग हो जाते हैं। तीसरा होता है फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं मतलब जो बड़े पद पे रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। थर्ड होता है प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो अलग हो जाते हैं। और थर्ड होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है सबका फिर अलग अलग, मजदूर अलग होता है, इंजीनियर अलग हो जाता है, प्रोजेक्टर अलग हो जाता है, सुपरवाइजर अलग हो जाता है, और जो मालिक रहता है वो अलग हो जाता है। तो इस पे पूरी संस्था काम करती रहती है, कहीं अगर आप काम करो तो इसका नॉलेज होना चाहिए।
तो ठीक है, सॉफ्ट स्किल से मैं बारे में ये बता देना चाहता हूँ, लोग सिर्फ हार्ड स्किल पे काम करते हैं। हार्ड स्किल क्या कहलाती है, कोई बताएगा? कोई और कोई बताएगा? किसको मान लो किसको नहीं मान लो हार्ड स्किल क्या कहलाती है? अपने जीवन में दो स्किल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, सॉफ्ट और हार्ड स्किल का क्या होता है? सर हार्ड स्किल मतलब जो हम जो काम कर रहे हैं उसी पे फोकस रहे हैं। आप एक टेक्निकल नॉलेज है जो आप सीख रहे हो, सी प्लस प्लस सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, जो आपको वर्क करना वो हार्ड स्किल कहलाती है। और सॉफ्ट स्किल का मतलब उसको उसको कैसे करना है वो सॉफ्ट स्किल कहलाती है। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, सिर्फ लोग हार्ड स्किल करते हैं। आज कई जगह देखा गया है कि जो हार्ड स्किल वाले हैं उनके 99% होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है, और जो सॉफ्ट स्किल वाले 50% लाने के बाद भी उनको जॉब मिल जाती है। कारण क्या है? उनको बोलना आता है, व्यवहार आता है, व्यवहार कौशल आता है, तो उनको जॉब मिल जाती है। बाद में वो कंपनी में घुस के काम सीख जाते हैं, जो बंदा काम सीखा हुआ उसको जॉब नहीं मिलती है। तो आपको जे स्किल मान के चलिए 70% आना चाहिए, 30% आपको अगर वो चीजें आती भी हैं तो आप कंपनी में घुस के काम सीख सकते हो, लेकिन कंपनी में घुसने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल की जरूरत है। ठीक है, तो दिक्कत 6 पॉइंट हो गए। इसके बाद है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? अर्जुन तुम बोल रहे, फिर से बोल दो। लोगों से अलग सोचना और उसको अलग तरीके से करने की कोशिश करना। क्रिएटिव माइंड का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव अलग सोचना। अपन कॉपी, यस, किसी की कॉपी नहीं करना कि जॉन इब्राहिम है तो जॉन इब्राहिम बनूंगा मैं। जॉन इब्राहिम से तुम अलग भी तो बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। इसका उदाहरण एक दिया मेरे पास है हमारे परिचित के, वो जॉन इब्राहिम को कॉपी करते, तो कॉपी नहीं करो किसी को। उदाहरण देते हैं, उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, किसी भी चीज की कॉपी मत करो। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? कॉपी नहीं करना। कॉपी का मतलब ये नहीं कि अब फेसबुक की उठा के कॉपी कर दी किसी ने। जॉन का ये मोटिव कॉपी क्यों करता है? क्यों अच्छे लगते मैं बता रहा हूँ सर। वो एक स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, कहीं पार्टी में नहीं आते, नेपोटिज्म में नहीं आते, किंतु उसने 2002 से जो स्ट्रगल किया 20 साल में बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता था। एक टाइम में पूरे बॉलीवुड में सिर्फ स्टार किड का रास्ता, किंतु उसने करके दिखाया। आप वो बंदा क्यों मूवी बनाता है? क्यों जॉन को देखने के लिए नहीं? वो मूवी परमाणु क्यों बनाया? उसके बाद फिर मद्रास कैफे क्यों बनाया? उसके कारण के लिए, कारण के लिए। मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? क्रिएटिव का मतलब है कॉपी नहीं करना। कोई बताएगा कॉपी नहीं करने का मतलब? यूनिक, कुछ अलग तो करो आप। आज फेसबुक वाले ने फेसबुक बनाया, किसी को सबको जोड़ दिया उसने, पूरी देश दुनिया को जोड़ दिया, कुछ अलग किया कि नहीं किया? कनेक्टिविटी को एक अलग लेवल पे लेके गया। फिर अलग बात है, इंस्टाग्राम कॉपी कर, अलग अलग कॉपी कर लिया किसी ने, ठीक है ना, इंस्टाग्राम की कॉपी कर ली, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं कि सब वर्जन वही रखे हो, सब टूल्स वही रखे हैं, उसने कुछ कॉपी तो नहीं किया ना उसका। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, व्हाट्सएप अलग बनाया। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो तो आप पहचाने जाते हो, अगर वही कॉपी करते हो तो आप नहीं पहचाने जाओगे। बस आप अगर क्रिएटिव कुछ, आज लोग कई लोग देखे जाते हैं क्रिएटिव यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिएटिव रहते हैं, आपने देखा होगा कितने ग्रोथ करते हैं। अगर कोई आप न्यूज पढ़ोगे कोई सब चीजें करोगे तो मतलब नहीं। अगर आप क्रिएटिव हो तो कंपनी आपको आगे बढ़ाती है, कंपनी आपसे पूछती है कि ये चीज बताओ कि अगर हम लोग को कंपनी में बढ़ाना है तो कुछ आइडिया दो, आप क्रिएटिव आइडिया दो, तो कंपनी दो। ऐसा नहीं कि बस आपको जितनी सैलरी दे रही है उतना ही काम करो आप। आप जिन सोच के मत जाओ कि बस आज मेरे को काम करना है, कल तो मेरे को सैलरी मिलना है। अगर आप क्रिएटिव माइंड वहां दिखाओगे तो आपको सैलरी भी इम्प्रूव होगी और आपको हो सकता है प्रमोशन मेरे बेंगलोर पहुंचा दे, समझ गए? तो क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंट। अब इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब क्या कहलाएगा, कोई बताएगा? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मतलब क्या होता है कि कोई भी निर्णय कई बार क्या होता है, जैसे कोविड में कई लोग फंसे थे बाहर, दिल्ली में थे या बेंगलोर में थे या पूना में थे जहां जब कोविड ज्यादा था, तो भावनात्मक निर्णय लेने में क्या किया उस चक्कर में उन्होंने जॉब छोड़ दी, अब मेरे को जॉब नहीं करना, यहाँ पर ज्यादा फैला है, चलो। और कल के दिन जबलपुर आने के बाद उनको जॉब ही नहीं मिल रही, तो क्या हुआ उनका निर्णय? कैसा लिया उन्होंने? इमोशनल निर्णय लिया।
तो जब भी आप कभी काम कर रहे हैं तो किसी प्रकार से इमोशनल जो अत्याचार एक वर्ड है तो मेरे उसने इमोशनल अत्याचार किया मेरे साथ, ऐसा इमोशनल भावनात्मक निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। जब भी आप कंपनी में कहीं भी काम कर रहे हो या रिश्तेदारी में हो, आपके जीवन में कभी भावनात्मक निर्णय लोगे उसका परिणाम गलत होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद है अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल, हाँ, हर चीज को विस्तार से जानकारी। कोई अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहा है उसके बारे में पूरी आपको विस्तार से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, 9 पॉइंट समझ में आए? किसी का कोई डाउट? और ये लास्ट पॉइंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी कंपनी में, किसी फील्ड में, आप अपने परिवार में, जीवन में कभी भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। कारण यह है कि अगर आज में कोई संस्था आपको बलबूते पे छोड़ के जाए, बाजीगर पिक्चर देखी आपने? किसने देखी बाजीगर? देखी होगी सबने। वो उनके ससुर साहब रहते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं उनके कंपनी, उनके भरोसे वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन किया था? नहीं किया ना। लेकिन आपके भरोसे पे कंपनी छोड़ के जाएगा तो क्या करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करोगे कि नहीं करोगे? तो आप जब भी काम कर रहे हो, चाहे जितना काम कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। क्योंकि कंपनी भी देखती है कि ये हमें दे रहे हैं तो हम इनको अर्न कर रहे हैं, लेकिन जितना दे रहे हो उतना नहीं, आप उससे ज्यादा देने की कृपा करो तो आपका ग्रोथ और ज्यादा होगी। ठीक है, 10 पॉइंट समझ में आए आपको? किसी के कोई क्वेश्चन हो 5 मिनट क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर उसके बाद एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो कोई इससे आज के लेक्चर से ये समझ में आया कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है? तो ये सब आप लोग अपनाओ तो आगे बढ़ोगे। Yeah.